नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हमारे पास ये एलईडी टीवी आया है, देख सकते हैं दोस्तों। आस्कर का है, आस्कर कंपनी का है दोस्तों। इसमें फॉल्ट ये है, इसमें लाइट लगाने पे लाइट लगा रहे हैं। लाइट चालू हो गया है, देखिए दोस्तों। बैक लाइट नहीं जल रहा है, इसमें बैक लाइट नहीं है। स्टैंड बाय रिलीज हो गया है, तो दोस्तों इसमें हम ये इन्वर्टर किट डालेंगे। हम देख लीजिए, इन्वर्टर किट है। अब हम इस इन्वर्टर किट को लगाएंगे इसमें, देखते रहिए कैसे कनेक्शन करते हैं। अभी इस बैकलाइट वायर को निकाल लेंगे हम। दोस्तों सबसे पहले हम इसको टाइट कर लेंगे, कहीं भी यहाँ टाइट कर लेते हैं हम। टाइट हो गया है, और इस बैकलाइट वायर को हम इसमें लगा देंगे। दोस्तों देख लीजिए, कभी भी वायर लगाएं, जब नया लेकर आएंगे तो ये वायर देख लीजिए, VCC, EN, DIM और ग्राउंड, तो हमें EN सिग्नल का ज़रूरत पड़ेगा। और इस ग्राउंड को हम ग्राउंड में जोड़ देंगे कहीं भी, तो इस ग्राउंड को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ग्राउंड को हमने जोड़ लिया, अब इस पर 12 वोल्ट देंगे रेड वायर पे, तो हम 12 वोल्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। अब ये EN सिग्नल है, इसमें 1.5 वोल्ट से लेकर इस वायर पे 1.5 वोल्ट से लेकर और हम 5 वोल्ट तक इस पे सप्लाई देंगे, तभी बैक लाइट जलेगी हमारी। तो हम 5 वोल्ट नाप लेते हैं, 5 वोल्ट कहाँ रिलीज होता है। मीटर को रख लेंगे और इसमें सप्लाई देंगे हम। और इसमें सप्लाई नापेंगे हम, कहाँ सप्लाई 5 वोल्ट आती है। यहाँ देख लीजिए, जहाँ से रेड वायर निकाले हैं हम, वहाँ सप्लाई कितना बनता है, 12 वोल्ट। और हम चेक कर लेंगे, 2 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट बन रहा है और यहाँ 1.1 वोल्ट बन रहा है। इसमें
3.3 वोल्ट। तो दोस्तों यहीं पे हम जोड़ेंगे मेमोरी आईसी जो है यहाँ दिखा देते हैं। देख लीजिए 3.3 वोल्ट बन रहा है, यहीं पे हम वायर जोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे बैकलाइट जल रहा है कि नहीं। हमारा मीटर को हटा लेते हैं। तो दोस्तों हमने जोड़ दिया है, देख लीजिए। अब इसमें हम लाइट देंगे, देखेंगे बैक लाइट जल रहा है कि नहीं हमारा। बैक लाइट जलने लगा, देख लीजिए बैक लाइट हमारा जल रहा है। देख लीजिए जल रहा है दोस्तों, हमारा टीवी ओके हो गया है। फिर बंद करके चालू करके दिखाते हैं। देखिए